दाहिने बाएं, दाहिने नीचे। क्या कर रहे हो कालिया? हम जम्बू की ग्रह के बच्चों को प्रशिक्षण देने आए हैं। मैं उसी की तैयारी कर रहा था। मैं हूँ अग्नि लगा दूंगा, सबको पल में कर दूंगा। मैं हूँ वर्षा, बरसा दू पानी, आग की भी खत्म कर दो कहानी। मैं हूँ वायु, हवा का झोंका किसी को नहीं देता दूसरा होगा। रुक जाओ, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? जादूगर राज, कैसे हो मेरे मित्र? मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है, वजह एक नहीं तीन है। अभी बताता हूँ। अग्नि, वर्षा, वायु, यहाँ भीम, ये तीनों तो अपनी कला में माहिर हैं ही, पर कभी एकजुट होकर कोई काम नहीं करते। क्यों छोटे, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये वर्षा ही हमेशा लड़ती है। ये वायु, पर ये दोनों माने तब ना। चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूँगा। हम बहुत दूर से आए हैं तुम तीनों को ये सिखाने कि एकजुट होकर काम कैसे करते हैं। तो क्या तुम अच्छे बच्चों की तरह रहोगे? मतभेदों के कारण पर जम्बू की ग्रह तो शांति का प्रतीक है। गबरू, वो अभी तक सिर्फ आधा जादूगर बन पाया है। ऐसे शरारत मत करो, एकजुट होकर काम करना सीखो। गबरू, अब मैं राज का केचुआ मंत्र भी जान गया हूँ। जिम्बू जिम्बू जादू मंत्र, बना दे सामने वाले को पत्थर। हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, और वो भी एकजुट होकर। मैं हूँ अग्नि लगा दूँगा, सबको पल में कर दूँगा। किसी को नहीं देता दूसरा मौका। मैं हूँ वर्षा, बरसा दूँ पानी, खत्म कर दूँ तेरी कहानी। बस बहुत हो गया। शोम शोम शोमुशाश, कर दे जम्बू की ग्रह का सर्वनाश। ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसीलिए ये मंत्र काम नहीं कर रहा। गबरू की ताकत है वो क्रिस्टल बॉल। ऐसा कौन सा काम है? गबरू ने हमारे मेहमानों को जानवर बना दिया है।
सिर्फ आप अपना मंत्र पढ़कर इन्हें वापस अपने असली रूप में ला सकते हो। आबरा का डाबरा जैसे को तैसा, बना दे इन्हें पहले जैसा। ये मामूली बर्फ नहीं, जरूर इसमें कोई जंतर है। जल्दी ही कोई तोड़ ढूंढ लेंगे। ये चिंता है कि मैं अगर इस बर्फ के गोले से नहीं निकला तो ज्वाला शस्त्र कैसे हासिल कर पाऊंगा। दोस्त, क्या इसमें हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम ज्वाला विद्या तो नहीं जानते, पर मैंने तुम्हें लड़ते देखा है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा तेज देखा है, पर मैं तुम्हें ज्वाला विद्या यहाँ इस कैद के अंदर से भी शायद सिखा सकता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। बंद करके ध्यान केंद्रित करो और लंबी सांस खींचो। सांस ही शरीर के अंदर जाकर शक्ति बन जाएगी और वही शक्ति फिर ज्वाला शक्ति में बदल जाएगी। शक्ति को अपने अंदर खींचना भी संभव है। अपने हाथ से अंदर खींच, बाहर से रास्ता बनाते हुए। क्या तुम वो शक्ति अपने अंदर बहती हुई महसूस कर सकते हो भीम? शक्ति मेरे अंदर बह रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ ढोलू बोलू, इतने उदास क्यों हो? आए भूख के मारे हम ठीक से सोच और बोल भी नहीं पा रहे। लड्डू भी खत्म हो गए और दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ नहीं। समझ कर खा लो। उसकी जीप चिपक गई है, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। देख सकते हो, मूर्ति की तारीफ करनी होगी, तभी वो तुम्हें अंदर आने देगी। तुम्हारी मुस्कुराहट का जवाब नहीं पैंडा। तुम एक प्यारे चड्डी की तरह हो और मुझे तुम्हें एक छप्पी देने का मन कर रहा है। अगर तुम हमारी सेना का हिस्सा बन जाओ तो तुम और भी ताकतवर बन सकते हो।
बैंक में आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। पर तुमने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? बात ये है कि हम इस बैंक में हर तरह की चीज रखते हैं। ये एक रोबोट है जो एटीएम का भी काम करता है और यहाँ की रखवाली भी करता है। सच? हाँ, जैसे कल मैंने इस एटीएम पैंडा के अंदर एक बम्बू रखा था, आज मुझे उसे निकालना है। और उस तरफ हमारे बैंक के लॉकर्स हैं, जिसमें लोग अपना कीमती सामान रखते हैं। सबको यहाँ बुलाया है। चिंता मत कीजिए पांडा बफ, हम इसकी रक्षा करेंगे। शुक्रिया। मेरे प्यारे एटीएम पांडा, मुझे बताओ, अगर मैंने अपने दोनों जूते तुम्हारे अंदर जमा कर दिए तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? शाम तक तुम्हें 4 जूते मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, कितनी सुनहरी धूप है और कितनी ताजी और ठंडी हवा। कितनी धूल उड़ाई तुमने बाबा रे। माफ करना नोबू, मैंने देखा नहीं। अरे चुप रह नोबू, इसकी बात का बुरा मत मानना स्काई ड्रैगन, ये हमेशा ही चिड़चिड़ा सा रहता है। वैसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं सोबू हूँ और ये नोबू है। हम मौजा ग्रह के रखवाले हैं। स्काई ड्रैगन ने हमें मौजो ग्रह के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक जादुई क्रिस्टल है जो मौसम पर नियंत्रण रख सकता है। हाँ बाबा हाँ, तभी तो इस ग्रह का मौसम हमेशा सुहाना होता है। मेरे पीछे आओ, अभी ये बताता हूँ। दोस्त जुजू के जैसे केक और पेस्ट्रीज सारे अंतरिक्ष में कोई नहीं बना सकता। केक्स और पेस्ट्रीज के नाम से ही मुंह में पानी आ गया। जुजू, हम आ गए। यहाँ की तो हर चीज इतनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो? जुजू कहाँ है? आप जुजू छुट्टियाँ मनाने गया है। पर स्काई ड्रैगन, आपने तो कहा था जुजू हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ, जुजू अचानक छुट्टी पर कैसे चला गया? मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चों के लिए पेस्ट्रीज लाओ। बचाओ बचाओ, कोई है? जुजू यहाँ होता। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। ये हमारी खास अवन है, हमें अवन में से एक केक निकालना है। ये बूबा बेकर्स कुछ ठीक नहीं लग रहे,
जूजू अचानक से छुट्टी पर चला गया। हम इन्हें एक केक बनाने को कहेंगे। पूपा बेकर्स, हमें एक खास केक बनवाना है। अब ये कैसी नई मुसीबत बन पड़ी। एक ओवन है, हम उसमें कुछ चीजें डाल देते हैं। खोलो। उस अलमारी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? प्यारे दोस्त जूजू को उसी की अलमारी में बंद कर दिया था। प्यारे बच्चों, तुम मेरी बेकरी को बर्बाद होने से बचा था, इसलिए हम तुम्हारे वास्ते ये खास अंतरिक्ष केक बनाता। जूजू, क्या आपकी बेकरी में ऐसा एक भी केक या पेस्ट्री है जो किसी को पसंद ना हो? ये दो पेस्ट्रीज कोई कभी नहीं खरीदेगा। स्काई ड्रैगन, मुझे खुशी हुई आप सब हमारे खिलौनों का मेला देखने आए। इतने सारे खिलौने एक साथ देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें कुछ नए खिलौने दिखाता हूँ। नए खिलौने? हाँ, चल चल। साल का हमारा नया आविष्कार, ये हमारा आज तक का सबसे आलीशान निर्माण है। एक रोबोट सूट जो महाशक्तिशाली है और उड़ भी सकता है। जैसे पानी में ये दबाया और अब ये रोबोट मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण कक्ष में कैसे पहुंचे? क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो आखिर इस मेले में मिल ही गया। डीनो, समझने की कोशिश करो, किसी को चोट लग सकती है। पर मैं नियंत्रण कक्ष से बाहर आने को तैयार हूँ अगर कालिया किसी के साथ लड़े और उसे हराए तो। मैं कालिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ। मुझे इस रोबोट सूट से बाहर निकालो। कोई है? बाल बाल बच गया। लगता है तुम्हारा रोबोट सूट गया काम से। तीनों का दिमाग, सोचा था साबुन, निकला सिर्फ झाग। कालिया की वजह से
आप सबको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उस डीनो को सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भीम। हमने तुम्हारे लिए ना नए कपड़े लाए हैं, पहनना चाहोगे? नए कपड़े? दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं, इसे मेरे सामने से दूर करो। तो बच्चों, कस के पकड़ लिया ना मुझे? हाँ, हाँ, कस के पकड़ा है। एक और हो जाए। आज कहाँ लेकर जा रहे हो स्काई ड्रैगन? आज मैं तुम सबको इसी ग्रह में आप सबका स्वागत है। जब हमने देखा कि स्काई ड्रैगन भीम और उसकी सेना यहाँ से गुजर रही है, तो हमें तुम लोगों को अंदर खींचना ही पड़ा। तुम्हारे साथ एक खास खेल खेलने का मौका हम खोना नहीं चाहते थे। कौन हो तुम लोग? मैं बादशाह हूँ, ये गाला और ये डंटू। तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। इस खेल का नाम है ईडी। तुम्हारी टीम से एक खिलाड़ी हमारी ओर आएगा और इस ईडी बॉल को लेकर अपनी ओर जाएगा। बस वो हमारी पकड़ में नहीं आना चाहिए, वरना खेल से बाहर हो जाएगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम हार गए। स्काई ड्रैगन, हमें इन बंदियों को छुड़ाना होगा। हम खेलेंगे पर सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, हम सिर्फ एक शर्त पर खेलेंगे। अगर हम जीते तो तुम सिर्फ हमें नहीं, इन सारे बंदियों को भी छोड़ दोगे। बड़ी बड़ी बातें। देखो वहाँ।
ना, मुझे बताओ अगर मैंने अपने दोनों जूते तुम्हारे अंदर जमा कर दिए तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? शाम तक तुम्हें चार जूते मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब अपने हाथ ऊपर कर लो। वजह से ही आपकी रूबी सुरक्षित है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बच्चों। शुक्रिया मिस्टर पैंडा पफ, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट चॉकलेट नहीं खाया है। वो रूबी नहीं, रूबी जैसा दिखने वाला एक चॉकलेट था। ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया।